शिवपुरी के वन विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आग की सूचना मिली। यहां सुरवाया रेंज के बलारपुर क्षेत्र में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग इतनी विकराल थी कि 7 घंटों के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया जा सका। वन विभाग को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं मुख्य वन संरक्षक डी के पालीवाल का कहना है कि बलारपुर के आसपास कुछ जगह आग लगी है और वहां आग बुझाने के सभी संसाधन उपलब्ध करवा दिए गए हैं तथा 2 पानी के टैंकर भी वहां रखवा दिए गए हैं जिससे आग पर काबू पा लिया गया है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल से लगातार रोज ही खबरें आ रही हैं और माधव नेशनल पार्क की उत्तर माधव रेंज में, मध्य माधव में और पूर्व माधव रेंज में लगातार अग्नि की घटनाएं हुई हैं और इसको निरंतर अटेंड किया गया है सभी स्टाफ के द्वारा। जो पूर्व रेंज है वहाँ पर बल्लाभ माता का मंदिर है और वहाँ पर काफ़ी श्रद्धालुओं का आना जाना भी निरंतर लगा रहता है। यद्यपि हम लोगों ने सभी लोग स्टाफ की वहाँ ड्यूटी भी लगा रखी है, पानी के 2 टैंकर भी वहाँ निरंतर उपलब्ध भर के रखे गए हैं, तो प्रयास पूरे किए गए हैं और समय रहते सभी अग्नि पर काबू भी पाए गए, लेकिन घटनाएं ऑन एंड ऑफ बार बार हो रही हैं। वजह क्या खास है इसके पीछे, आग लगने के पीछे? वजह कुछ नहीं है, कुछ तो अज्ञानता है। आदमी चलते फिरते उसमें आपको कोई अंगार या बीड़ी सिगरेट के कारण कई बार छोड़ देते हैं। गर्मी भी काफ़ी है और खासकर हवा बहुत तेज चल रही है पिछले 4-5 दिनों में, तो इस कारण से भी अग्नि। सर दूसरा सवाल ये, विभाग के पास किस तरह के संसाधन है आग बुझाने के लिए? हम लोग अपने जो भी ट्रेडिशनल साधन है उनका तो उपयोग हमेशा करते ही आ रहे हैं। वर्तमान में हम लोगों के पास में 2 पानी के टैंकर हैं जिनका उपयोग होता है और सरवाया कला के निकट जो भी नियरेस्ट आग लगी थी उसमें हम लोगों के द्वारा ब्लोअर का भी उपयोग किया गया है जो शिवपुरी वनमंडल से बुलाया गया है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टाफ भी है, स्थायी कर्मी है, सुरक्षा श्रमिक है और हम लोग उनका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। जानवरों की कोई हानि नहीं हुआ है और निश्चित रूप से कुछ क्षेत्र जला है लेकिन ग्राउंड फायर थी, इसमें किसी प्रकार का ग्राउंड फायर नहीं आया है और समय जानवरों की कोई हानि रिपोर्ट नहीं हुआ। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट।